हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में कंट्रोल सेंटर्स वगैरह को आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में, और आप कैसे अपने फ़ोन में कंट्रोल सेंटर्स को आप चेंज कैसे कर पाएंगे, और फ़ोन का कंट्रोल सेंटर से आप कैसे बदल सकते हैं ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि कंट्रोल सेंटर्स को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में कंट्रोल सेंटर्स को बदल सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स हैं ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आप कंट्रोल सेंटर्स को आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सिंपली जैसे कंट्रोल सेंटर बदलना है तो आपको यहाँ से जाना है और सर्च करना है कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर पर जाते हैं तो कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स आ जाएगी। फिर MI कंट्रोल सेंटर्स पर क्लिक करके फ़ोन का जो भी कंट्रोल सेंटर से आप चेंज करना चाहते हैं या फिर बदलना चाहते हैं तो आप बदल पाएंगे, और सिंपली कंट्रोल सेंटर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली ओपन कर लेंगे, ओपन करते ही आपका ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। देखते हैं कि ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी को ऑन करना है और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर MI कंट्रोल्स पे जाना है और इसको ऑन कर देना है, इससे आपका कंट्रोल सेंटर है चेंज हो जाएगा। देखते हैं कि आपका जो भी कंट्रोल सेंटर था चेंज हो चुका है, बदल चुका है, जो आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो इस तरीके से भी कंट्रोल सेंटर्स को आप चेंज कर सकते हैं ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए